नमस्कार आदाब, बोलता बिजनौर में आपका स्वागत है। इन दिनों जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव की चर्चाएं तेज है। विपक्ष की ओर से समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और भीम आर्मी ने अपना संयुक्त उम्मीदवार चरणजीत कौर के रूप में खड़ा किया है, तो वहीं सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष शाकेंद्र चौधरी को ही एक बार फिर से अपना उम्मीदवार बनाया है। इस वक्त चुनाव के संबंध में हमारे से बात करने के लिए मौजूद है आज़ाद समाज पार्टी के नेतागण, मंडल अध्यक्ष भी है और जिला अध्यक्ष भी है। तो आइए बात करते हैं मंडल अध्यक्ष शमशाद सैफी जी से कि क्या उनकी रणनीति है आगे जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में। अध्यक्ष जी, पहला सवाल मेरा ये है कि आपने समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के साथ ही गठबंधन क्यों किया? देखिए, वक्त की नज़ाकत, प्रदेश और भारत में जिस समय जो सरकार चल रही है उस सरकार के नेतृत्व में जनमानस त्रस्त त्रस्त है, नौजवान बेरोजगार है, माँ बहनों की इज्जत आबरू से खिलवाड़ किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम का फ्रैक्शन इतना पैदा कर दिया है, संविधान के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। हमारे भाई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने इस चीज़ को बेहद गहनता से सोचा और सोच कर उन्होंने डिसाइड निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश में गैर भाजपाई को मजबूत करना है और गैर भाजपाई को मजबूत करने के लिए जो सेकुलर सोच रखने वाले दल हैं जैसे समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, किसानों का मुद्दा उठाने के लिए भारतीय किसान यूनियन के साथ मिलकर ये निर्णय लिया गया कि अगर पहले उत्तर प्रदेश 2022 में चुनाव होने वाले हैं, उत्तर प्रदेश को भाजपा से मुक्त करना है तो सेकुलर लोगों की एक जमात बनाई जाए जिसका नेतृत्व भाई ने अपने हाथ में लेते हुए समाजवादी पार्टी, लोकदल, भारतीय किसान यूनियन से अलायंस किए। इसलिए आने वाले जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में भाई के दिशा निर्देश अनुसार हम लोग, हमारे साथ हमारे बड़े भाई मुख्य अतिथि, हमारे सीनियर राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य, मौजूदा मुरादाबाद मंडल प्रभारी अमित कसाना जी आए हुए हैं, अनंत कुमार जी जो मौजूदा जिला पंचायत सदस्य बनकर आए हैं, और भीमसेन जी हमारे जिला अध्यक्ष। अध्यक्ष जी, आपने अपने जवाब में ये कहा है कि भारतीय किसान यूनियन भी आपके अलायंस के साथ है, लेकिन उनके नेता तो विरोध में जा रहे हैं। देखिए, कोई व्यक्तिगत रूप से आदमी कोई वक्तव्य कहता है वो हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय है गठबंधन धर्म निभाना, और उस गठबंधन धर्म को निभाने के लिए हमारे माननीय अमित कसाना जी के नेतृत्व में आज़ाद समाज पार्टी का श्रीराम भीम आर्मी जिले में कैंप करे हुए है, और जब तक कैंप करेगी जब तक जिला पंचायत अध्यक्ष चरणजीत कौर को बनवाया दिया नहीं जाता। अच्छा, इस समय आपका मुकाबला सत्ताधारी पार्टी से है, तो कितनी मजबूत स्थिति मानते हैं आप? देखिए, सत्ताधारी पार्टी जिला बिजनौर में जिला पंचायत अध्यक्ष की दौड़ से बाहर हो चुकी है। खिसियाने वाली खम्बा नोचे, वो तरह तरह के हथकंडे अपना रहे, हमारे साथ पूर्ण बहुमत है और इसीलिए चरणजीत कौर को जिला पंचायत अध्यक्ष बिजनौर से बनने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। अच्छा, बाकियों को भी छोड़ दे तो आंकड़ों के हिसाब से 20 सपा के हैं, 4 लोकदल के हैं और 8 आपके, 32 होते हैं, हालांकि जीत के लिए 29 चाहिए, लेकिन ये भी सच है और ये पहले भी चुनाव में हुआ है कि इस चुनाव में खरीद फरोख्त बहुत होती है, तो अपने जो आपके वोट है या जो आपके जिला पंचायत सदस्य उन्हें रुकने के टिकाव के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, हमारे जिला पंचायत सदस्य आज़ाद समाज सिटी भीम आर्मी के सिपाही हैं, इन्हें ना कोई खरीद सकता, ना कोई इन्हें तोड़ सकता, ना कोई इन्हें डरा सकता है, खुलेआम घूमेंगे। और आज़ाद समाज पार्टी समाजवादी राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन के प्रत्याशी चरणजीत कौर को वोट देंगे, डंके की चोट पर वोट देंगे, और किसी की हिम्मत नहीं है कि हमने किसी जिला पंचायत सदस्य को हाथ लगा के। लेकिन सैफी साहब, आंकड़ों में तो आप भले ही संख्या बल में भारी हो सत्ताधारी पार्टी से, लेकिन विपक्ष के रूप में चाहे समाजवादी पार्टी के भी कई जिला पंचायत सदस्य है जो विरोध में खुलकर सामने आ रहे, तो ऐसी स्थिति में कैसे आप जीत पाएंगे? देखिए भाई, ये जिला पंचायत सदस्य चुनाव है और सत्ता दल का ये प्रोपागंडा है ताकि लोगों को मिसगाइड करें, और भारतीय जनता पार्टी प्रोपागंडा फैलाती है कि उसके पास बहुमत तो है नहीं, इसी तरह प्रोपागंडा फैला के मिसगाइड करने की रणनीति वो अपना रही। बीजेपी नहीं फैला रही, खुद रफी सैफी साहब इसके विरोध में जा रहे हैं। रफी सैफी साहब और ये समाजवादी का अंदरूनी मामला था, रफी सैफी साहब दावेदार थे लेकिन समाजवादी पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी नहीं बनाया, हो सकता है कि कुछ गलत फहमी उनके बीच में हो, अब वो पार्टी का मामला आपस में सुधार हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप ये मानते हैं कि जिस तरीके से बातें आ रही है भाई, सपा के ही लोग विरोध में आ रहे हैं, तो जितना मजबूत आपका गठबंधन नजर आ रहा है वो कहीं कहीं ना कहीं कमजोर नहीं हो रहा है? हमारे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि समाजवादी पार्टी में गतिरोध है, ये सिर्फ मीडिया और सत्ता पक्ष का प्रोपोगंडा है,
सब एक साथ है। समाजवादी पार्टी एकजुट है, आजाद समाज पार्टी आज पर आज जिला पंचायत सदस्य एकजुट है, राष्ट्रीय लोकदल के जिला पंचायत सदस्य एकजुट है। हमारे पास जो संख्या बल है वो पूर्ण रूप से पूरा है और चरणजीत कौर जी जिला पंचायत अध्यक्ष बिजनौर बनने जा रही हैं। तो क्या आपका ये गठबंधन विधानसभा चुनाव में जारी रहेगा? देखिए आने वाला वक्त बताएगा, फिलहाल तो जिला पंचायत सदस्य में हमारा गठबंधन मजबूती से काम कर रहा है और मजबूती से करता रहेगा। अच्छा सैफी साहब, मुझे याद है कि आजाद समाज पार्टी ने अपना पहला उपचुनाव बुलंदशहर से लड़ा था, अच्छी स्थिति में उन्हें वोट मिले, हालांकि वो तीसरे नंबर पर है। उसके बाद पंचायत चुनाव में भी आपका ठीक ठाक रिजल्ट रहा है, तो अब आगे जनाधार बढ़ाने और अपनी पार्टी को ज़िले में मजबूत करने के लिए क्या क्या आपकी रणनीति है? देखिए संगठन को मजबूत किया जाएगा, लोगों के बीच में भाई चंद्रशेखर आजाद जी की विचारधाराओं को पहुंचाया जाएगा, संविधान को वजूद के लड़ाई के लिए जो संघर्ष भाई चंद्रशेखर आजाद जी इस देश की महिला बहन बेटियों की इज्जत आबरू के लिए, बेरोजगार नौजवानों के रोजगार के लिए, बूढ़ों के मान सम्मान के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो संदेश लेकर हम लोगों के बीच जा रहे हैं। अच्छा एक आखिरी सवाल, जैसा आप बता रही थी कि आपके 8 जिला पंचायत सदस्य चुनाव जीते हैं, आप यहाँ जिला मुख्यालय पर आई है, समीक्षा बैठक है शायद, 4 क्यों नहीं आई? जो नहीं देखिए सब रास्ते में ऑन द वे है, 5 स्टेम मौजूद आ चुके हैं, 3 ऑन द वे हैं, क्योंकि आपको तो पता है ट्रैफिक में कोई ना कोई देरी हो जाती है, सब एक साथ तो कोई अब नहीं है, सब साथ में। तो ये थे हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी के मंडल अध्यक्ष शमशाद सैफी साहब, जिन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है कि उनका गठबंधन जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी चरणजीत कौर को दिया है, और चुनाव वाले दिन यानी मतदान वाले दिन भी उनके 8 वोट उनके समर्थन में वोट करेंगे, और इस बार जिला पंचायत अध्यक्ष विपक्ष का ही बनेगा, जिसका समर्थन आज़ाद समाज पार्टी का आगे भी जारी रहेगा। बोलता बिजनौर से इमरान अंसारी, बिजनौर।